नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा चुकी हैं। तो आप सभी अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि सर, अब हरियाणा जो बोर्ड है स्कूल एजुकेशन, उसके द्वारा जो 10वीं 12वीं की परीक्षा कराई गई है, उनका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। आप सभी के कुछ एक कमेंट भी इसको लेकर आते रहते हैं। तो एक न्यूज़ मिली है कि जिससे मेरे को पता चला कि HBSC का 10th और 12th का रिजल्ट कब आएगा। इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमें अपने इस चैनल पर हर रोज़ कोई ना कोई जॉब और जॉब से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार की कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर चैनल पर एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहाँ से चैनल की आपको मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिससे आप जो है कोई भी काम अगर कराना चाहते हैं तो वह आप वहाँ पर जो है मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का परिणाम 20 मई को। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में कुल 4,442 नकलची पकड़े गए। तो देखिए, लगभग 4,500 के आसपास तो नकलची जो है पकड़े गए हैं, और इतने ही हो सकता है ऐसे हों जो ना पकड़े गए हों। 5 अप्रैल को परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं, 20 मई को परिणाम घोषित किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि अध्यक्ष उड़न दस्ते ने नकल के 55 केस, अध्यक्ष के विशेष उड़न दस्ते ने 697 केस तथा सचिव के उड़न दस्ते द्वारा नकल के 198 केस, सचिव के विशेष उड़न दस्ते द्वारा 197 केस, रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा 409 केस तथा विभिन्न अन्य उड़न दस्तों ने 2,886 केस बनाए गए। परीक्षा के दौरान प्रदेश में सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी के 108 परीक्षा केंद्रों पर विभिन्न विषयों की परीक्षा रद्द की गई। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कोताही बरतने पर 6 केंद्र अधीक्षक एवं 99 पर्यवेक्षकों को परीक्षा ड्यूटी से हटाया गया। विभिन्न जिले के 9 परीक्षा केंद्र तब्दील किए गए। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं में अनुमानित 7,65,549 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। प्रदेश में 1,728 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। सेकेंडरी शैक्षणिक या रीअपियर के 3,85,227 परीक्षार्थी एवं सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक और रीअपियर के 2,15,484 परीक्षार्थी और मुक्त विद्यालय के, जिसको आप ओपन एजुकेशन कहते हैं, सेकेंडरी के 1,145 परीक्षार्थी एवं मुक्त विद्यालय के सीनियर सेकेंडरी के 64,693 परीक्षार्थी शामिल हुए। 22,464 सुपरवाइजर व 1,728 केंद्र अधीक्षक नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों, ये पूरी खबर है। इससे आपको पता ही चल गया होगा कि आपका 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, 20 मई तक, और लगभग कितने एस्टिमेट जो है केस बनाए गए। और अब इन सभी को जो एक मौका भी दिया जाएगा, डेट लगाई जाएगी, हियरिंग होगी इनकी, और अगर वहाँ पर ये सभी युवा जो है एक तरीके से निर्दोष पाए जाते हैं तो इनको बरी भी कर दिया जाएगा, और इनका जो पेपर है वो कैंसिल नहीं होगा, वो चेक हो जाएगा, उसके मार्क्स, उसका अवार्ड इनको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार की और भी अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। धन्यवाद दोस्तों।